हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केम्स बॉन्ड। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, फ्रैगमेंटेशन रिएक्शंस, जो हमेशा सीएसआईआर, नेट, गेट और आईआईटी जाम एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। इस टॉपिक के ऊपर हमेशा 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता जरूर है सीएसआईआर नेट एग्जाम में। तो केयरफुली ये वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, आपको जो है पूरा जो विथ मैकेनिज्म नॉलेज जो है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का आ जाएगा। दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, जैसे कि कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस अपना इलेक्ट्रॉन देता है और एक लिविंग ग्रुप रहेगा कि वो चला जाता है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को इस हिसाब से रीअरेंज करता है कि वो स्टेबल फॉर्म में चला जाए। जैसे कि ये रिएक्शन, ये फ्रेगमेंटेशन का जो चैप्टर है क्लेडन का, उसमें से पहले ही पेज पे जो है दिया हुआ है कि जो ऑक्सेन दिया है एसिटिल क्लोराइड के साथ में उसका रिएक्शन होगा, देन ओएच ग्रुप जो है ओएसी ग्रुप में कन्वर्ट होके बाद में नाइट्राइल फॉर्मेशन से आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कि एक लिविंग ग्रुप है और टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्मेशन होने का यही एक जो है आप बोल सकते हो कि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसमें टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है और उसकी वजह से जो है स्टेबल मॉइटी जो है हमें लास्ट वाला डिजायर प्रोडक्ट मिला। ठीक है दोस्तों, स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्मेशन के लिए ही ये रिएक्शन में जो है आपका बूस्टअप करेगा। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है दोस्तों, हमेशा फ्रेगमेंटेशन कब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन देने वाला एक स्पेसिस रहेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला एक स्पेसिस रहेगा एक ही मॉलिक्यूल में, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन पुश पुल से ही आपका फ्रैगमेंट पड़ता है मॉलिक्यूल का। ठीक है दोस्तों, अभी ये रिएक्शन देख लीजिए, इसमें 1,3-डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो उसका फ्रैगमेंटेशन आप देखिए कैसे होगा। तो डिजायर प्रोडक्ट आपका क्या मिला, ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए अच्छे से मैकेनिज्म कैसे जा रहा है। एक प्रोटोनेट हाइड्रोक्सी ग्रुप एक प्रोटोनेट हुआ, उसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन पुश हुए यहां से और इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिए। गॉट इट फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फ्रैगमेंटेशन में जो है हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर 3-4 मेंबर रिंग्स अगर रहेंगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग स्पेसिस है इसमें, तो वो हायर एल्केन्स जो है साइक्लोअल्केन फॉर्म करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि ये रिएक्शन है, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद में आफ्टर प्रोटोनेशन रीअरेंज करेंगे और आपका जो 5 और 4 मेंबर रिंग था वो कन्वर्ट हो जाएगा 7 मेंबर रिंग में। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये है दोस्तों। ठीक है, मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां से टॉटमराइज फॉर्म में जो है, एक सेकेंड दोस्तों, यहां से टॉटमराइज फॉर्म में जो है ये जो कीटो ग्रुप है फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट सेम वैसे ही इसका मैकेनिज्म दोस्तों जाएगा, यहां पे भी जो ग्रुप है आफ्टर प्रोटोनेशन सेम वैसे ही रिंग एक्सपांड कर जाएंगे और फाइनली जो है रीअरेंज प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ये रिएक्शन हमेशा हमेशा सीएसआईआर नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेस कंडीशन और न्यूक्लियोफिलिक कंडीशंस में जो है फ्रैगमेंटेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक बेसिक मॉइटी जो है आपका कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो जाएगी और आफ्टर बेसिक मॉइटी ऐड हो जाने के बाद में जो रीअरेंजमेंट होगा और बेटर लिविंग ग्रुप साथ में जुड़ा रहेगा, तो फ्रैगमेंट होके फाइनल आपका ऐसे डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रैगमेंटेशन में एक बेसिक फंडा है कि हमेशा एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड ही माइग्रेट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश किया, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हुआ और टॉसिलेट ग्रुप जो है वो लीव कर गया, सो फाइनली आपका एल्डिहाइड कंपाउंड आपको प्रोडक्ट मिला। ओके दोस्तों, सेम यहाँ पे भी वैसे ही है कि आपका जो
ये स्पेसिस है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे टॉसिलेट ग्रुप ये हो गया। ये एग्जाम्पल जो है दो बार सीएसआईआर नेट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ईस्टर्न मोजर फ्रेगमेंटेशन हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, इसको हमेशा रिमेम्बर रखना है आपको, क्योंकि गेट और सीएसआईआर नेट जो है सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन पूछते पूछते ही जरूर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है, इसमें एक्चुअली टॉसिल हाइड्रोजन यूज करते हैं दोस्तों। इसमें जो है हम लोग इसको स्टार्टिंग मटेरियल जो है इसका सिंथेसाइज कर लेते हैं, इससे इपॉक्साइड फॉर्म होगा। इपॉक्साइड के बाद में आपका हाइड्रोजन टॉसिल हाइड्रोजन फॉर्म होगा, इपॉक्सी टॉसिल हाइड्रोजन। आफ्टर बेस आपका रिएक्शन होने के बाद में आपको रीअरेंज प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा। देन जो फाइनल रीअरेंजमेंट होगा उसमें नाइट्रोजन भी लीव करेगा, टॉसिलेट ग्रुप लीव करेगा, और आपको 1,3,1,2,3,4,3-ketoalkyne ऐसा जो है स्पेसिस फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, सेम फर्स्ट स्टेप जो है आपका पिनाकोल पिनाकोलॉन है, देन आपका इलिमिनेशन स्टेप है रिडक्टिव इलिमिनेशन, उसके बाद में ओजोनोलिसिस स्टेप के बाद में ये फॉर्म होगा। आफ्टर बेस एडिशन आपका अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में आपका ये ईस्टर्न मोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है। ठीक है ना दोस्तों, तो फाइनल आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा बेस डालने के बाद में ये वाला, तो बहुत ही कमाल की रिएक्शन है दोस्तों, सोचने लायक है। आप पूरा इसमें जो है नॉलेज आपका लगा के ऑर्गेनिक का जो एशियन मोजर फ्रेगमेंटेशन का जो रिएक्शन है वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट क्या दिया है उससे भी आप पता कर सकते हो कि रिएक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देन कुछ अदर एग्जांपल भी है कि ये एग्जांपल में भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है पुश कर रहा है बॉन्ड, यहाँ माइग्रेट होके ओएमएस ग्रुप जो है लीव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। सेम यहाँ पे भी बाद में अल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं पूरा बहुत सारा वीडियो लेकर आने वाला हूँ और आपके साथ में शेयर करूँगा। मुझे इंटरव्यू का जो BPCL क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, वो भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा, और ONGC वर्क सेंटर्स और ONGC का क्या क्या केमिस्ट का काम है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। इवन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर माई IOCL इंटरव्यू टैक्टिक्स जो है आपके साथ में मुझे शेयर करना है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर अभी बताने वाला हूँ। मैं बहुत टाइम से जो है वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा था, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट मैं बना नहीं पा रहा था। अभी मैं आपके लिए पूरा वीडियो के लिए बनाने के लिए जो है मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।